आज जो फ्रेंड्स हम सब्जी बनाने जा रहे हैं भिंडी की, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में और बिल्कुल ही अलग तरीके का स्वाद होगा इसका, वो भी इस बेसन और सिंपल सी भिंडी के साथ। तो इस वीडियो पर आप बने रहें और इस रेसिपी का आनंद लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी की बिल्कुल न्यू स्टाइल में सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस भिंडी की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने लगभग 400 ग्राम के आसपास भिंडी लिया है और बिल्कुल इस प्रकार के छोटे छोटे भिंडी लिए हमने, ज़्यादा बड़े नहीं। तो उस भिंडी को हम पहले इस प्रकार से काट लेंगे, कट लगा लेंगे। आप चाहे तो इसके पीछे वाले पतले वाले हिस्से को भी थोड़ी सी काट सकते हैं, लेकिन हमने इसे बनाया क्योंकि वो वेस्टेज हो जाएगा फालतू का। तो इस प्रकार से भिंडी को हमने दो टुकड़ा कर लिया है। अब बिल्कुल छोटी भिंडी हो तो आप एक ही कट लगाएं, थोड़ी सी लंबी हो दो टुकड़े कर दें इसे। तो हमने देखिए इस प्रकार से लगभग सारे छोटे भिंडी है हमारे, तो हमने दोनों तरफ से कट लगा दिया है, दो टुकड़े में कर लिया है। तो फाइनली ये भिंडी को हमने इस प्रकार से कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उसके लिए हमने एक थाली में पहले इस भिंडी को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स भिंडी को हमने पहले धो के अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था, उसके बाद इस प्रकार से हमने काटा है। तो अब हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी इसमें डालेंगे, एक चम्मच के आसपास, वो तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटी चम्मच नमक भी डालेंगे और इसे हम अच्छे से हाथों से मिलाएंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप पहले मिला लें, उसके बाद फिर हम इसमें बेसन मिलाएंगे, क्योंकि नमक और जो लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर से तीखा बनेगा ये। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये मिल गया है, नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो अब हम इसी स्टेज पर बेसन मिलाएंगे फ्रेंड्स। तो बेसन हम यहाँ पे लगभग डेली यूज के 2 चम्मच से 2.5 चम्मच के आसपास हमने दिया है बेसन। तो बेसन को हमें इतना डालना है कि इसमें थोड़ी सी कोट हो जाए, बेसन के एक लेयर बन जाए इस भिंडी पे। तो आप इसे लगातार चलाते रहेंगे 3 से 4 मिनट तक, इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये फाइनली इस प्रकार से हो जाएगा। यदि मॉइस्चर कम हो रहा है आपकी भिंडी में तो थोड़ी सी 2 से 4 बूंद पानी इसमें डाल के, 1 चम्मच के आसपास पानी डाल के इस प्रकार से कोट कर लें। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस पे। उसके लिए मैं कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और इस प्रकार से हम बारी बारी से भिंडी को पहले तल लेंगे। तो ये देखिए इसी प्रकार से आप एक एक करके भिंडी को डालें। तो आप चाहे तो थोड़ी और ज़्यादा तेल डाल के एक ही बार फ्राई कर सकते हैं। हमने इसे 2 से 3 बैचों में फ्राई किया है क्योंकि हमने कढ़ाई में कम तेल डाला है। तो इसी प्रकार से डालने के बाद फाइनली फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से थोड़ी सी चला लेंगे। तो डालने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका कलर हल्का हल्का अब चेंज होना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल कलर इसका, और ये फ्राई भी कितना बढ़िया हो गया है। तो आप इसी तरीके से इसे पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। तो अब ये देखिए फाइनली हमारा तल के तैयार है फ्रेंड्स, और ये देखिए कलर भी कितना बढ़िया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से आप तलें, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी और फ्राई कर सकते हैं डीप फ्राई, तो हमने थोड़ी सी कमी किया है। तो इसी प्रकार से हमने सारे बैचेस को फ्राई किया है। तो इसी प्रकार से हमने सारे भिंडी को तल के इसे अच्छे से निकाल लिया है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम वही बचा हुआ तेल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 4 से 5 हमने हरी मिर्च को थोड़ी सी चाकू से कट लगा के इस पर डाला है, और इसे थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज फ्रेंड्स हमने 5 से 6 छोटे साइज का प्याज हमने लिया है और उसे रफली चॉप किया इस प्रकार से, और इसे डालने के बाद हम इसे प्याज को अच्छे से पका लेंगे। तो इस स्टेज में देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया प्याज। तो हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो नमक आप उसी मात्रा में ऐड करें क्योंकि ऑलरेडी हमने भिंडी में डाला हुआ है। तो ये ग्रेवी के लिए बिल्कुल आप नमक डालें इस प्रकार से। तो नमक डालने के बाद इसे थोड़ी देर और चलाएंगे तो हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने घिस लिया है और उसे इसमें डाला है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, उसके बाद हम अदरक को डाल के यहाँ अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा अब जो है प्याज इस प्रकार से पक गया है, तो आपको देखने से लग गया होगा। तो अब हम इसी स्टेज पर हमने 2 बड़े टमाटर का प्योरे इसका तैयार किया है। तो आप चाहे तो टमाटर को ऐसे काट के भी डाल सकते थे,
लेकिन हमने यहाँ पे मिक्सी जार में इसे ग्राइंड करके डाला है ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी बन सके। तो यहाँ पे फाइनली अब हम यहाँ मसाला ऐड करेंगे क्योंकि हमारा टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। तो मसाले में फ्रेंड्स हमने सबसे पहले हम यहाँ धनिया पाउडर एक चम्मच लेंगे, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच से थोड़ी कम, और हल्दी चम्मच ये किचन किंग हमने लिया है एक चम्मच, और एक चम्मच हल्दी पाउडर, और ये थोड़ी सी लास्ट में हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, तो वो ऑप्शनल है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी हमने कलर के लिए डाला है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप बगैर डाले भी बना सकते हैं। तो अब सारे मसाले को डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो है हमारे मसाला अच्छे से भून सके। तो ये देखिए बिल्कुल तेल अलग हो रहा है मसाले में। तो ये फाइनली हमारा मसाला भुन गया है, तो हम इसी स्टेज पे पानी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने हिसाब से करें। तो हमने यहाँ पे पानी डाला थोड़ी सी, और यहाँ पे पानी हमने डालेंगे क्योंकि इसे जब हम इसमें भिंडी डालेंगे तो पानी को थोड़ी सी एब्जॉर्ब करेगा, तो थोड़ी सी पानी हमने और डाल दिया है। और क्योंकि ये बनने के बाद थोड़ी सी ठंडा होने के बाद क्या है ना फ्रेंड्स कि थोड़ी सी जमने लगती है, तो इसीलिए आप ग्रेवी उसी हिसाब से रखें। तो इसमें देखिए उबाल आ गया है, और उबाल आने के बाद फाइनली हम इसे चला लेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद हम भिंडी को ऐड कर लेंगे इसमें। ये देखिए फाइनली हमने फ्राई की हुई भिंडी को इस प्रकार से डाल देंगे, और डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से चलाएँगे। इसे ज़्यादा हमें नहीं चलाना फ्रेंड्स क्योंकि भिंडी हमारी टूट जाएगी, तो हल्के हाथों से 2 से 3 बार इसे चला लें इस प्रकार से, और इसे लगभग 2 से 3 मिनट ही पकाएं क्योंकि हमारा ऑलरेडी भिंडी फ्राई है। ये देखिए फाइनली हमारा ये बनके तैयार है फ्रेंड्स। और लास्ट में हम यहाँ पे थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर लेंगे यहाँ पे, आप चाहे तो हरी धनिया हो तो हरी धनिया भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या तो फिर स्प्रिंग अनियन हो तो वहाँ से उस पर इसे डालने से भी आप गार्निशिंग कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे सर्व के लिए निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप चाहे तो इसे रोटी के साथ, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए देखिए कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है हमारा। तो आप भी इस तरीके की रेसिपी फ्रेंड्स अपने घर पे एक बार ज़रूर करें। तो फाइनली ये हमारा भिंडी की बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में सब्ज़ी बनके तैयार है। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।